दोस्तों अपने ऐतिहासिक महत्व, जीवंत सांस्कृतिक परिदृश्य और शैक्षणिक संस्थानों के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध पुणे अब यहाँ पर वंदे भारत के लिए भी फेमस होने जा रहा है, क्योंकि यहाँ पर रेलवे 4 नई वंदे भारत गाड़ियों की जो शुरुआत है वो पुणे से करने जा रही है। और इसको लेकर दोस्तों एक बहुत बड़ा अपडेट मिला है आज के डेट में, जिसके आने के बाद पुणे वासी बिल्कुल झूम उठे हैं, क्योंकि 4 जो नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इसकी एक बड़ी सौगात रेलवे दे रही है पुणे वासियों को। और आज की इस वीडियो में दोस्तों हम जानेंगे कि पुणे से किन 4 रूटों पर जो गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है, और सबसे इम्पोर्टेंट इन 4 गाड़ियों का जो इनॉग्रेशन है वो कब रेलवे करने वाली है, ये भी सारे जो अपडेट है वो सामने आ चुके हैं। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा कंप्लीट डिटेल में, इसलिए वीडियो को ध्यान से देखिए एंड अभी से इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी दोस्तों आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं पुणे जंक्शन से शुरू होने जा रही 4 नई वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि जो चल रही वंदे भारत गाड़ियां हैं महाराष्ट्र में, उनका जो सक्सेसफुल होने का ट्रैक रिकॉर्ड है वो काफी सही है, काफी अच्छा है। यानी कि जो भी गाड़ियां चल रही है महाराष्ट्र में वो काफी अच्छी कमाई करके दे रही है रेलवे को। और इसी अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड को देखते हुए महाराष्ट्र में टोटल 4 जो गाड़ियां हैं नई वंदे भारत इनकी शुरुआत होने जा रही है पुणे से, क्योंकि दोस्तों रेलवे को पता है कि पुणे से जिन 4 रूटों पर इन गाड़ियों की शुरुआत होने जा रही है उन पर कहीं न कहीं डिमांड काफी हाई है एंड यहाँ पर गाड़ी की शुरुआत होने के बाद ही गाड़ी का जो सक्सेसफुल होने का चांस है वो भी काफी ज्यादा हाई होगा। यानी कि काफी अच्छी कमाई हो सकती है इन 4 वंदे भारत के माध्यम से एंड इसी को ध्यान में रखते हुए पुणे से ये जो 4 रूट्स हैं इन पर 4 नई वंदे भारत गाड़ियों की जो शुरुआत है वो यहाँ पर होने जा रही है। बाकी पुणे से जिन 4 रूटों पर गाड़ियों की शुरुआत होने जा रही है उन पर लंबे टाइम से जो हाई डिमांड है वंदे भारत गाड़ी को शुरू करने का वो लगातार बना हुआ है। तो फाइनली वो जो लंबा इंतजार है वो भी इन वंदे भारत के शुरू होने के साथ ही खत्म होगा। तो आइए दोस्तों एक एक करके पुणे से शुरू होने वाली ये जो 4 नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इनके बारे में हम जान लेते हैं एंड यहाँ पर सबसे पहले 4 रूट के बारे में हम जानेंगे, देन इनके जो इनॉग्रेशन डिटेल है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो दोस्तों अगर मैं बात कर लूँ पहले रूट की, तो हमारा जो पहला रूट है पुणे से नई वंदे भारत ट्रेन के लिए वो है पुणे से वडोदरा वाला। जी हाँ दोस्तों, फाइनली पुणे से वडोदरा वाला जो रूट है वो अब बिल्कुल तैयार है नई वंदे भारत गाड़ी को ऑपरेट करने के लिए, क्योंकि दोस्तों पुणे से वडोदरा के बीच में फाइनली गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे अब करने वाली है। बात करें पुणे वडोदरा रूट की, तो पुणे से वडोदरा की जो दूरी है वो है 525 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं उनको 9 से लेकर 10 घंटे तक का यूजुअली टाइम लगता है, तब जाके गाड़ियां पुणे से वडोदरा या फिर वडोदरा से पुणे पहुंचती है। लेकिन बात करें वही वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी पुणे से वडोदरा पहुंचने के लिए यानी कि 525 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 6.5 से 7 घंटे का समय लेगी। यानी कि चल रही गाड़ियों के मुकाबले आपके 2.5 से 3 घंटे की जो बचत है वो ये वंदे भारत के माध्यम से हो पाएगा। बाकी 8 कोच की गाड़ी चलेगी पुणे से वडोदरा के बीच में, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल में नीड है 16 कोच की गाड़ी चलाने की, क्योंकि यहाँ पर पुणे से वडोदरा वाला जो रूट है इस पर कहीं न कहीं जो बिजनेस पर्पज के लिए होने वाली एक्टिविटी है, जो यात्राएं हैं वो काफी ज्यादा देखने को मिलते हैं। और इसलिए दोस्तों यहाँ पर 16 कोच वाली गाड़ी की जो नीड है वो कहीं न कहीं पुणे से वडोदरा वाले रूट पर दिखती है। बाकी यहाँ पर यूजुअली इस रूट पर गाड़ी की जो शुरुआत है वो 8 कोच के साथ होगी, जो कि आपको सप्ताह में 6 दिन अपना जो सर्विस है वो प्रोवाइड करती हुई दिखेगी। बात करें दूसरे रूट की, तो पुणे से जो दूसरा रूट है नई वंदे भारत गाड़ी के लिए वो है पुणे से सेगांव वाला। जी हाँ दोस्तों, पुणे से वडोदरा के बाद पुणे से सेगांव के बीच भी नई वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे करने जा रही है, जो कि पूरे महाराष्ट्र के लिए काफी अच्छी खबर है। बाकी दोस्तों पुणे से सेगांव के बीच भी गाड़ी चलाने की जो मांग है वो कोई नई नहीं है, पिछले 7 से 8 महीनों से जो मांग है वो लगातार रेलवे के पास करी जा रही थी। लोग काफी ज्यादा गंभीर है इस गाड़ी को चलवाने के लिए एंड इसीलिए लगातार जो मांग है, जो डिमांड है वो बनी हुई है पुणे से सेगांव के बीच में गाड़ी को चलाने को लेकर। इसलिए दोस्तों फाइनली पुणे से सेगांव के बीच में गाड़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर भारतीय रेल करने जा रही है। बात करें पुणे सेगांव रूट की, तो पुणे से सेगांव की जो दूरी है वो है 594 किलोमीटर के आसपास, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं उनको 11 से 12 घंटे तक का जो यूजुअली टाइम है वो लग जाता है। लेकिन बात करें वही वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत को पुणे से सेगांव पहुंचने के लिए यानी कि 594 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 7 से 7.5 घंटे का समय लगेगा। यानी कि यहाँ पर चल रही जो गाड़ियां हैं पुणे से सेगांव के बीच में उनके मुकाबले 4 से 5 घंटे की जो बचत है वो ये वंदे भारत गाड़ी कर पाएगी। और इसी समय की बचत के लिए पूरे देश में विख्यात ये जो वंदे भारत गाड़ी है इनका नेटवर्क पूरे देश में लगातार रेलवे बढ़ा रही है। बाकी दोस्तों पुणे से सेगांव के बीच में चलने वाली वंदे भारत भी टोटल 8 कोच के साथ अपनी जो यात्रा है उसकी शुरुआत करेगी। सप्ताह में ये गाड़ी भी 6 दिन चलेगी एंड कहीं ना कहीं दोस्तों पुणे से सेगांव के बीच में जो यहाँ पर भक्त है, जो देवतीस है, उनका यात्रा करने का जो एक्सपीरियंस है उसको बेहतर करने के लिए और यहाँ पर यात्रा को आसान बनाने के लिए पुणे से सेगांव के बीच में फाइनली इस वंदे भारत गाड़ी की जो शुरुआत है वो रेलवे करने जा रही है। इसी के साथ बढ़े आगे और बात करें तीसरे रूट की, जिस पर गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने जा रही है पुणे से, तो ये रूट है दोस्तों पुणे से बेलगावी वाला। जी हाँ दोस्तों, फाइनली एक जो सेपरेट वंदे भारत गाड़ी है जो कि पुणे से ओरिजिनेट होगी एंड यहाँ पर बेलगावी तक जाएगी उसकी भी शुरुआत यहाँ पर होने जा रही है, जो कि पूरे महाराष्ट्र के लिए काफी बड़ी खुशखबरी है। वहीं दोस्तों पुणे बेलगावी रूट पर भी वंदे भारत चलाने की जो मांग है वो यहाँ पर कोई नई मांग नहीं है, काफी लंबे टाइम से लोग चाहते हैं कि पुणे से बेलगावी
बेलगावी के बीच में गाड़ी की जो शुरुआत है वो भारतीय रेलवे करे। तो ऐसे में दोस्तों अब रेलवे फाइनली पुणे से बेलगावी के बीच में गाड़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर करने जा रही है। ऐसे में बात करें पुणे बेलगावी रूट की, तो पुणे से बेलगावी का जो टोटल डिस्टेंस है वो है 416 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं उनको 7.5 से 9 घंटे तक का जो यूजुअली ट्रेवल टाइम है वो लग जाता है। लेकिन बात करें वंदे भारत की, तो हमारी वंदे भारत गाड़ी पुणे से बेलगावी पहुंचने के लिए यानी कि अप्रोक्सीमेटली 416 किलोमीटर की डिस्टेंस को ट्रेवल करने के लिए मात्र 5 से लेकर 5.5 घंटे के समय लगेगा। यानी कि चल रही गाड़ियों के मुकाबले 2 से 2.5 घंटे पहले ये जो गाड़ी है वो आपको पुणे से बेलगावी या फिर बेलगावी से पुणे पहुंचाएगी। कनेक्टिविटी काफी आसान हो पाएगा। एंड यहाँ पर 8 कोच की जो गाड़ी है वो आपको पुणे से बेलगावी के बीच में देखने को मिलेगी, जो कि सप्ताह के 6 दिन अपना जो सर्विस है उसको यहाँ पर प्रोवाइड करने वाली है। हालांकि इसको लेकर अपडेट ये भी है कि पुणे से बेलगावी के बीच में गाड़ी की जो शुरुआत है वो यहाँ पर सप्ताह में 3 दिन भी रेलवे कर सकती है। यानी कि सप्ताह में 3 दिन या फिर 6 दिन गाड़ी की शुरुआत है वो पुणे से बेलगावी के बीच में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही दोस्तों इस वंदे भारत के चलने के बाद जो लंबा इंतजार है, जो लंबा डिमांड है, वो भी यहाँ पर यात्रियों के पूरे हो पाएंगे। वहीं दोस्तों पुणे से वडोदरा और पुणे से सेगांव जैसे रूट्स हैं, उनके जैसा ही पुणे से बेलगावी वाले रूट पर भी वंदे भारत चलाने की जो डिमांड है वो काफी ज्यादा हाई है। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पुणे से बेलगावी के बीच में वंदे भारत गाड़ी को सप्ताह में कितने दिन चलानी चाहिए। बाकी इसी के साथ बढ़े आगे और बात करें चौथे यानी कि लास्ट रूट की, तो हमारा जो लास्ट रूट है पुणे से ये है दोस्तों पुणे से सिकंदराबाद वाला। जी हाँ, फाइनली पुणे से सिकंदराबाद के बीच भी गाड़ी की जो शुरुआत है वंदे भारत गाड़ी की वो यहाँ पर भारतीय रेलवे करने जा रही है। बात करें पुणे सिकंदराबाद रूट की, तो दोस्तों पुणे से सिकंदराबाद वाला जो रूट है ये भी सभी रूटों की तरह काफी इंपॉर्टेंट होगा। ऐसे में दोस्तों पुणे से सिकंदराबाद की जो दूरी है वो है अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी जो चल रही गाड़ियां हैं उनको 8 घंटे 20 मिनट से लेकर 10 घंटे 45 मिनट तक का समय लगता है, तब जाके गाड़ियां पुणे से सिकंदराबाद या फिर सिकंदराबाद से पुणे पहुंची है। लेकिन बात करें वंदे भारत गाड़ी की, तो यहाँ पर दोस्तों पुणे से सिकंदराबाद के बीच में अभी फिलहाल शताब्दी भी चलती है, जो कि 8 घंटे 20 मिनट में आपको पुणे से सिकंदराबाद पहुंचाती है। लेकिन इसके बाद उससे भी तेज जो कनेक्टिविटी है वो हमारी ये नई वंदे भारत गाड़ी प्रोवाइड करेगी पुणे से सिकंदराबाद के बीच में। और हमारी वंदे भारत पुणे से सिकंदराबाद की दूरी यानी कि 600 किलोमीटर को 7 से 7.5 घंटे में ही तय करेगी और आपको पुणे से सिकंदराबाद पहुंचा देगी। बाकी दोस्तों इसको लेकर जो रिपोर्ट है उसके अकॉर्डिंग इस पर 16 कोच वाली गाड़ी की भी शुरुआत हो सकती है और 8 कोच वाली भी। बाकी आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि पुणे से सिकंदराबाद के बीच में गाड़ी की जो शुरुआत है वो कितने कोच के साथ करना चाहिए। बाकी दोस्तों पुणे से सिकंदराबाद वाला जो रूट है ये भी पिछले 2.5 सालों से पेंडिंग पड़ा हुआ है वंदे भारत के इंतजार में। एंड कहीं ना कहीं दोस्तों देश में जब मुंबई से सोलापुर एंड मुंबई से साईनगर शिरडी के बीच में वंदे भारत गाड़ियों की शुरुआत हो रही थी, तभी इस रूट को लेकर भी चर्चा काफी तेज हुआ था कि पुणे से सिकंदराबाद के बीच भी गाड़ी की शुरुआत होने जा रही है। और तब से लेकर अभी तक जहां 2024 भी अब खत्म होने को है, आज की डेट तक भी गाड़ी की जो शुरुआत है वो पुणे से सिकंदराबाद के बीच में नहीं हो पाई है। लेकिन स्टिल अभी भी लोग बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं गाड़ी की शुरुआत होने की। तो ऐसे जो लोग हैं जो कि वेट कर रहे हैं, उनका जो इंतजार है, लंबा जो वेट है, वो रेलवे खत्म करने जा रही है और पुणे से सिकंदराबाद के बीच में फाइनली 8 या फिर 16 कोच वाली गाड़ी की जो शुरुआत है वंदे भारत टाइप की वो यहाँ पर रेलवे करने जा रही है, जो कि सप्ताह में 6 दिन अपना जो सेवा है वो पुणे से सिकंदराबाद या फिर सिकंदराबाद से पुणे के बीच में प्रोवाइड करेगी। बाकी दोस्तों ये थी टोटल 4 नई वंदे भारत गाड़ियां जिनकी जो शुरुआत है वो आपको महाराष्ट्र के पुणे से देखने को मिलेगी। और ये जो रूट है उसको भी यहाँ पर फाइनल किया जा चुका है, गाड़ी चलने वाली है। बाकी दोस्तों यहाँ पर पुणे के अलावा महाराष्ट्र में 2 और जो नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी शुरुआत होने जा रही है। और एक्चुअली यहाँ पर पुणे के अलावा मुंबई से कोल्हापुर एंड मुंबई से सेगांव के बीच में यानी कि 2 और जो नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी भी जो शुरुआत है वो महाराष्ट्र में होने जा रही है। यानी कि टोटल यहाँ पर जो 6 नई वंदे भारत गाड़ियां हैं इनकी सौगात मिलने वाली है महाराष्ट्र को। एंड इसको लेकर जो रेलवे है उनके द्वारा जो तैयारियां हैं वो शुरू हो चुकी है। वहीं बात करें इनॉग्रेशन की, तो जैसे कि आपको पता है कि महाराष्ट्र में अभी विधानसभा चुनाव को लेकर पूरे राज्य में कोड ऑफ कंडक्ट लगा हुआ है, जिसकी वजह से कोई भी जो इनॉग्रेशन है वो अभी फिलहाल पॉसिबल नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर चुनाव के नतीजे आने के बाद एंड राज्य में कोड ऑफ कंडक्ट हटने के बाद ये जो सभी 6 गाड़ियां हैं जिनमें से 4 की शुरुआत पुणे से होगी, इन सभी का एक जो भव्य उद्घाटन है वो आपको देखने को मिलेगा राज्य में। बाकी दोस्तों इनमें सबसे बड़ा जो सौगात है वो मिला है पुणे वासियों को, क्योंकि यहाँ पर पुणे से अकेले 4 जो गाड़ियां हैं नई वंदे भारत इनकी शुरुआत होने जा रही है और इनके लिए रूट भी फाइनल हो चुका है, जैसे कि आप रिपोर्ट में देख सकते हैं। और इसको लेकर दोस्तों जितने भी बड़े बड़े मीडिया एजेंसी है भारत के अंदर, उन सभी के द्वारा जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर रिसेंटली यानी कि आज और कल के डेट में निकाला गया है। और इन सभी रिपोर्ट में दावे किए गए हैं कि यहाँ पर पुणे से जो 4 रूट्स हैं वंदे भारत गाड़ियों के लिए उनको फाइनल किया जा चुका है। बाकी दोस्तों अगर सब कुछ प्लानिंग के अकॉर्डिंग रहा तो यहाँ पर विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद ये जो सभी गाड़ियां हैं इनका जो लॉन्चिंग है, जो भव्य उद्घाटन है, वो रेलवे यहाँ पर करने वाली है पीएम मोदी द्वारा। इन सभी गाड़ियों को हरी झंडी दिखाकर इनके पहले सफर पर रवाना कर दिया जाएगा। बाकी दोस्तों आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में लिखिए कि महाराष्ट्र में और कौन कौन से रूट पर गाड़ी चलाने की नीड है वंदे भारत गाड़ी को चलाना
चाहिए जिस पर गाड़ी ब्लॉकबस्टर साबित होगी। और बाकी यही था दोस्तों पुणे से आया 4 नई वंदे भारत गाड़ियों का बड़ा अपडेट। उम्मीद करता हूँ कि आपको सारी चीजें समझ में आ गया होगा। बाकी आपने यहाँ तक इस वीडियो को देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो किसी और नए अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।